देखो बहुत ही शलाघायोग कदम है पंजाब सरकार का, तो साढ़े मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान का। तो पंजाब सरकार भगवंत सिंह मान की सरकार है, बहुत वधिया काम कर रही है, खासकर किसानों वास्ते बहुत वधिया है जी। तय समय से पंजाब गवर्नमेंट सरकार ने 21 तरीक का वादा किया, पानी भी आ गया नहर जी, सप्लाई भी लाइट की 8 घंटे पूरी चल रही है, यही सरकार का धन्यवाद करते हैं। अब बाकी बी हरकृष्णपुरा पिंड सब तो लंबे समय की टेल से बैठे हैं, टेल वाले खेत पानी पै गए। बाकी मान साहब दल्ला सच्चिया ने, पंजाब के अंदर एक वक्त अजिहा भी सी जदों खेतीबाड़ी के लिए वड्डे पद्धर से नहरी पानी की वरतों की जाती सी, ते समय समय दियां सरकारां ने अरबां रुपए खर्च के पूरे पंजाब विच ना सिर्फ नहरां का जाल विछाया सी, सगों लिंक नहरां तो लैके छोटियां सूए भी बनाए गए सी तां जो एक एक खेत दे विच नहरां का पानी पहुँच सके। पर जिवें ही ट्यूबवैल सिस्टम तकनीक आई तां नहरी पानी बंद हो गया अते किसान पूरी तरह नाल ट्यूबवैलों पर निर्भर हो गए, जिस कारण पंजाब के कई जिलों के अंदर डार्क जोन बन गए ने। पानी इन्ना हेठा चले गया है कि आने वाले 2035 तक पानी खत्म होने के कंडे ते होगा, पर सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान दियां हदायतों के मुताबिक नहरी पानी पींदे राही खेतों तक पहुंचना शुरू हो गया, तो इस उपराले नूं लैके किसान भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। देखो बहुत ही शलाघायोग कदम है पंजाब सरकार का, तो साढ़े मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान का, क्योंकि कल तो लैके निरंतर एक तो जी बिजली का दिता से इन्होंने भी 21 तरीक तो बिजली देंगे, जीरियां लग रही ने निरंतर, सवेरे 5 बजे तो लैके 1 बजे तक लाइट चल रही 8 घंटे निरंतर बिन कट लगन तो, जो नहरी पानी ने सूहों कस्सिया के जो पानी ने चल रहे हैं, क्योंकि वे जिमीदार भरावान जीरी लाने सौखी हो जाएगी, ये जो मोटर का पानी भी थोड़ा जहा घट बचत होएगी, तो जो सा पानी दिनों दिन थले जा रहा है उस सू फायदा होएगा। सो सूहों का पानी लगन नाल एक तो जीरी छेती लगेगी, एक जी लाइट की खपत घट होएगी, दूजा जरा धरती का पानी है वो जो दिनों दिन घट रहा है उस सू फायदा होएगा जी। पहली बार जो निर्णय लिया गया? हाँ देखो बहुत वधिया शलाघायोग कदम है, सारे पंजाब में शुरुआत है, अगली बार इतने सारे पैप पाए जाएंगे, सो थोड़ा जहा होर सौखा हो जाएगा जिमीदार भरावान। पहला क्यों नहीं होंगे? देखो सरक सरकार की आपो अपनी सोच होंगी, आप कह सकते हैं, पर जो पंजाब सरकार भगवंत सिंह मान की सरकार है बहुत वधिया काम कर रही है, खास करके किसानों वास्ते। अज तो 20 दिन पहला प्रशासन आया से, जो नहरी प्रशासन से सारा वो साढ़िया जड़िया पुरानिया कस्सिया हैं जिड़िया मतलब कि रुकिया पई हैं, नहीं हम चल दी 15-20 साल तो लोग पानी नहीं सन ला रहे बिच, क्योंकि कस्सिया बंद होने करके किसी को पानी की सप्लाई नहीं सी जाती, हूँ वो आन के महकमे ने आन के आप कस्सिया कढ़ाइया ने सारिया, तो असी मौजूद सी जिन्नियां भी कस्सिया साढ़े पिंड दियां ने सारिया चालू हो गई ने, तो अज तकरीबन 21 तरीक का टाइम सी लाइट आ गई, तो उधरों सूआ भी चल पिया जी, तो सहूलत तो बहुत वधिया हो गई, बाकी लेवल पानी का लेवल भी जरा उपर रहेगा, तो सानू ये बहुत फायदा जी, बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का। बहुत वधिया है जी, तय समय से पंजाब गवर्नमेंट सरकार ने 21 तरीक का वादा किया, पानी भी आ गया नहरां च जी, सप्लाई भी लाइट की 8 घंटे पूरी चल रही है जी, यही सरकार का धन्यवाद करने हैं जी। ये काफ़ी सौखा होएगा तुहानू? बिल्कुल जी, जिथे नहरी पानी लगता है उत्थे झोना छेती लगेगा जी, पानी की बचत होएगी ट्यूबवैलों की जी, तो बहुत वधिया जी। पंजाब नू 5 दरियावां के नाँ तो जाणिया जांदा है, ते इत्थे पानी की कोई कमी नहीं है, कुदरत मेहरबान है, पर इसके बावजूद पिछलियां सरकारां दियां गलत नीतियां के कारण नहरी पानी का उपयोग घटिया है, जमीन के हेठला पानी होर भी हेठां चला गया है। यही कारण है कि सूबे की मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार नहरी पानी के उपयोग नूं लाजमी बनाउण की गल कर रही है, तो इसलिए उपराले भी किए जा रहे हैं ताकि धरती हेठले पानी के डिग रहे म्यार नूं उपर चुकया जा सके। ਬਈ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂ, ਜਿਹੜਾ ਟੇਲ 'ਤੇ ਖੇਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਬਈ ਹਰਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸੂਏ ਦੀ ਟੇਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਟੇਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਘਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ
शुरू हो जाएगी। जिथे पंजाब सरकार दे वलों झोने की बिजाई दे लई पूरे पंजाब नू कई जोनां दे विच वंडिया गया सी ते उस दे चलदे हुण जिला संगरूर च भी झोने की बिजाई शुरू हो चुकी है ते खेतां च नहरी पानी पहुंचना शुरू हो गया ते जिसनू देख के हुण किसान भी काफी खुश नजर आ रहे ने। हाँ जी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, जिन्होंने टेल ते पानी पहुँचाता सानू, कदे आस नहीं सी जी असल में इस सूए की भी चल पू। असी पहला भी 10 साल पहला बहुत फिरे हैं जी, तो चंडीगढ़ तक साडे गेड़े लगते रहे, तो एससी साहब नू मिले, कहिंदे सानू अकाली दल की सरकार वेले भी ग्रांट दवा दो, तो ग्रांट सानू उपलब्ध नहीं हुई जी। हुण इस करके भी अचानक ही इन्ना वधिया उपराला कीता ते कम बहुत तेजी नाल होया जी, 3 महीनों जी 2 महीनों जी पूरा कम हो गया, सानू आस नहीं सी जमी जी। साडे पटवारी हाँ जी हाँ पटवारी साहब ने ते असी भी बहुत संजोग दिता जी सारे लोगों ने रल के, ते बाकी हुण तुहाडे सामने है जी, देखो भी पानी किवें टेल ते आप ही डिग रहा। मेरा नाम बई जी गगनदीप सिंह है, हरकिशनपुरे दे वासी हां असीं जी। कितनी खुशी महसूस कर रहे हो अज पानी आ गया? खुशी तो असीं बयान ही नहीं कर सकते भी, जिहड़ी चीज जिंदगी च तुहानूं सारी जिंदगी लोड़ महसूस हुई होवे ते तुहानूं मिली ना होवे, वो अचानक मिल जाए तुहानूं उहदी च खुशी, तो फिर तुसीं हुण आप ही सोच सकदे हो भी कितनी खुशी हो रही है ना। तो बहुत ही धन्यवाद है बई जी सरकार का, तो मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी का, तो साडे MLA भैन नरेंद्र कौर भराज जी का बहुत धन्यवाद है, जिन्हां ने एडा बड़ा किसानी नूं बचाउण वाला काम करता। असी किसान नहीं इस चीज़ का उन्हां का देना नहीं दे सकते जी, इहदा बहुत ही वड्डा काम है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, जिहड़ी सूए की टेल आ बई जी, सब ये अपने संगरूर जिले का सब तो लंबा सूह है जी, कदे अज तक इत्थे टेल ते पानी पहुँचे ही नहीं सी, अज इहदी टेल ते तुसीं देख रहे हो कि वह क्यारा भरिया पिया, तो टेल ते पानी चल रहा, तो सवेरे ये अर्ली मॉर्निंग असीं उठ के देखिया तो पानी ये चालू हो गया सी आउणा, बहुत ज़्यादा खुशी है। तो शक्कर नाल असीं सारिआं ने इत्थे आ के जी शगन मनाया इहदा, तो बहुत सरकार का अं धन्यवाद करते हैं, बड़ी खुशी हो रही है जी, सानू बहुत चंगा उपराला किया सरकार। मेरा नाम रजिंदर सिंह, पिंड हरकिशनपुरा जी। ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਸੂਏ ਦੇ ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹਿਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟੇਲ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਇਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 40 ਮੇਰੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਸਲ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਪਾਣੀ? ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪੱਧਰ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ।